Okay, so we started with sp2 hybridization. ठीक है, हमने sp2 hybridization की थी जिसमें हमने एक केस डिस्कस किया था BCl3 का. सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ BH3, BF3, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप. ठीक है, अब इसमें सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज C2H4. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वी विल बी फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड नाउ. जैसे मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड्स भी फॉर्म होंगे. ठीक है, sp3 में हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स किए, इसमें भी हमने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की है. ठीक है, बट नाउ इन C2H4 स्ट्रक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, तो C2H4 का वैसे स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, यानी कि ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें और ये एक पाई बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का. ठीक है, बाकी ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है, तो हमने ये स्ट्रक्चर देखना है कैसे. ओके, चलिए. कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कार्बन इज 1s2, 2s2, 2p2, राइट. अब उसके बाद एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s1. ठीक है, यहाँ आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, एक दो और ये तीन. ठीक है, यही हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन. ये जो एक है मैंने आगे एक्साइट करवा दिया. ठीक है, यानी कि कार्बन के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार शेयरिंग. ओके, तो चार हैं, तो डैट मीन अगर मैं कल वाला मिथेन वाला स्ट्रक्चर रिकॉल करूं, ठीक है, कल वाला अगर हम मिथेन वाला स्ट्रक्चर रिकॉल करें, तो चार आपके पास क्या होने चाहिए थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आने चाहिए लाइक दिस. ठीक है, ऐसे हमारे पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आने चाहिए. ये एक कार्बन के लिए हो गया. सिमिलरली मैं दूसरे कार्बन के लिए ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, Similarly, we will be drawing for the second carbon. ठीक है, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, राइट. अब इसको थोड़ा सा हमने ज्वाइनिंग फॉर्म में बताना, ये मैंने आपको सिंगल सिंगल कार्बन की कॉन्फिग्रेशन बताई हैं. ठीक है, अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, जब हम इनको ज्वाइन करके स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो ज्वाइनिंग में ये ऑर्बिटल्स कैसे ज्वाइन होंगे, सीन. एक तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पर आएगा. ठीक है, एक लोब ऐसी आ जाएगी जो दोनों कार्बन कार्बन की लोब होगी. ठीक है, उसके बाद एक लोब हम ऐसे बना देते हैं. ठीक है, लाइक दिस. एक लोब हम नीचे की तरफ बना देते हैं लाइक दिस. ठीक है, और एक जो रह गई है वो हम इस तरफ बना देते हैं. हो गए हैं चार लोब पूरी. ठीक है, सेम हम इसका करते हैं, सेम फॉर दिस. हमने चार लोब्स बनानी है, एक कार्बन कार्बन के साथ बना दी है, एक मैं ऐसे ऊपर की तरफ बना रही हूँ. ठीक है, एक नीचे की तरफ हो जाएगी और एक इस साइड बना दी. ठीक है, बाकी चार छोटी लोब्स तो आनी साथ में. क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है, इज इट क्लियर? हो गया क्लियर बेटा? ठीक है, अब ये कार्बन के हम बनाते हैं चार इलेक्ट्रॉन्स, हर एक में चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जो एस ऑर्बिटल्स हैं और जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये वाला यहाँ पे मैंने कार्बन एक्चुअली शो नहीं किया, बट आपने एज्यूम करके चलना है कि यहाँ पे मैं सेंटर में कार्बन बना रही हूँ. दैट मींस वी आर टेकिंग द कार्बन एटम एट द सेंटर. ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, बट आपने ये एज्यूम करके चलना है. ठीक है, कि सेंटर में कार्बन है. ओके, अब ये एक बॉन्ड बना एक इलेक्ट्रॉन के साथ. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये आएंगे ना, ये देखो, वन टू एंड थ्री, ऐसे ही आपके पास एक एस का आएगा. ठीक है, तो एक एस हो गया और तीन पी हो गए, ये एक एस का ओवरलैप हो गया. ठीक है, अब तीन पी का भी तो ओवरलैप करवाना है, तो एक यहाँ पर हम ओवरलैपिंग के साथ करवा देते हैं हाइड्रोजन का, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग के साथ करवा देते हैं हाइड्रोजन का. दो हाइड्रोजन लगाने हैं, दो हाइड्रोजन अटैच कर दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, हो गए, तीन बॉन्ड्स बन चुके हैं हमारे अभी तक, थ्री बॉन्ड्स आर कंप्लीट, वन टू एंड थ्री, ये तीन बॉन्ड्स हमारे बन चुके हैं उन तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ. ठीक है, एक इसके साथ कंबाइन कर गया, एक इसके साथ कंबाइन कर गया, एक इसके साथ कंबाइन कर गया, बट अभी भी मेरे पास क्या बचा है, ये वाला एक पड़ा हुआ है ना, अभी दोनों का, ये वाला अभी एक पड़ा हुआ है, इसका भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका भी एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, फोर्थ लोब में. ठीक है,
okay, now they will be forming which bond? कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड, ठीक है? तो ये ऊपर और नीचे की तरफ क्या कर जाएंगे? ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करके बताती हूँ, ठीक है? तो ऐसे आपका कार्बन कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर हमारी क्या आ जाएगी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, ओके? एंड हेयर विल बी हैविंग टू हाइड्रोजन, ठीक है? तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर बॉन्डिंग, ठीक है? हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके, वन मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है? इन दोनों को सेपरेटली शो करते हैं. जो पाई बॉन्ड है ना, जो पी वाले खाली है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी पूरा, क्योंकि पी जो है वो ऊपर और नीचे दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट करते हैं, ठीक है? तो ये मेरा एक सिंपली पूरा पाई बॉन्ड है, ओके? यहां पर मेरे दो हाइड्रोजन कवर है, क्योंकि पी वाले जो है वो ऊपर और नीचे दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कवर करेंगे ना, ठीक है? तो पी वाला पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है. सो दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द अबव ऑल्सो एंड बिलो ऑल्सो, ठीक है? So this is how your structure of C2H4 it looks like. Clear beta? Is it clear? कैसे बना ये structure? ठीक है, कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन थे, उन चारों की हमने बॉन्डिंग कराई है, एक दो तीन, तीन इसके साथ हो गए, जो एक फ्री था वो P में रखा है हमने. तो ये P की मैंने पूरी लोब शो, जैसे आप PX and PY शो करते हो ना, वो मैंने पूरी एक लोब शो की है, ओके? ठीक है, जो खाली था, अदरवाइज एक दो तीन और ये चौथा जो है वो पूरा मैंने शो किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड. क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम इससे ज्योमेट्री नहीं उसकी डिफरेंट हो जाएगी अगर एक और लोब ऐड कर देंगे? कौन सा बेटा? नहीं, लोब हमने जो ऐड की है ना वो तो वेकेंट है. यहाँ पर तो हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है. पाई बॉन्ड के कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो ऊपर और नीचे आएगी, तो इससे ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि ऑलरेडी उसका पाई बॉन्ड बन रहा है ना ज्योमेट्री में, ठीक है? तो जब भी हमने पढ़ा है ना कि जब हम पी बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ऐसे उनकी लोब्स आती है, पी एक्स और पी वाई, ऊपर और नीचे जो है वो दोनों बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी बॉन्डिंग होती है, न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे भी बॉन्डिंग होती है, ठीक है? जब मैंने आपको ओवरलैपिंग का बताया था केस, ओके? सो इन दिस वे जहां पर भी हमारा पाई बॉन्ड होगा हम ऊपर और नीचे दोनों ओवरलैपिंग रीजंस शो करेंगे बेटा, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड में हम अकेला अकेला शो कर सकते हैं, बट पाई बॉन्ड में हमने ऊपर और नीचे, क्योंकि हम ये स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी बॉन्डिंग हो रही है, नीचे भी हो रही है, तो दिस फॉर्म्स एन अनसिमेट्रिकल क्लाउड, ठीक है? तो हमने वो अनसिमेट्रिकल क्लाउड दिखाना है इन द बॉन्डिंग, ओके रमन? यस मैम. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. नाउ वी विल बी कंसीडरिंग द केस ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ BeF2 and C2H2. हम ये दो examples जो हैं इसमें discuss करेंगे, ठीक है? चलिए beryllium की तरह draw कर लेते हैं पहले electronic configuration. So this is 1s2, 2s2, ठीक है? चार electrons है, 1s2, 2s2 बना दिया हमने. orbital का concept देख लेते हैं, ठीक है? दोनों s electrons हैं. तो लाइक दिस वी विल बी गेटिंग, ठीक है? दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसके साथ हमने क्या अटैच कराना है? वी हैव टू अटैच फ्लोरीन. कितने फ्लोरीन अटैच कराने हैं हमने बेटा? दो, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक एस है और एक पी है, यानी कि एक एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा. तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको आगे शिफ्ट कर देंगे, हो गया?
ठीक है, एक एस इन्वॉल्व हो गया और एक पी इन्वॉल्व हो गया, तो कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए? टू, ठीक है, एस एन पी, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे वो भी कितने आएंगे? टू ही आएंगे, ठीक है, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। ओके, सो अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का आपको पता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिंपली इसके साथ हमने कंबाइन करवा देना, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सी स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, ये सेंट्रल में हमें फ्लोरीन बना दूंगी, ठीक है, बेरिलियम बनाएंगे, बेरिलियम के साथ ये जो फ्लोरीन है दो अटैच हमने यहाँ पे करने, टू फ्लोरीन विल बी अटैच हियर, तो एक लीनियर सा स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास, ठीक है। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p कितना है? 5, ठीक है, यानी कि p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल BCl3 की एग्जांपल दी थी, ठीक है, उसमें भी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये एक p मैंने यहाँ पे बना दिया, एक p यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये लोब्स यहाँ पर इनकी छोटी छोटी हम शो करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BEF2, हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BEF2। ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये बेरिलियम है और ये ओके, तो ये सिंपल केस था। अब चलते हैं अगेन C2H2 पे। अब हम C2H2 की मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कार्बन के सारे स्ट्रक्चर्स अब पढ़ के आए हो, ठीक है। अब अगर मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर C2H2 के लिए, ठीक है, अगेन इसके चार लोब्स बनानी है हमने, राइट, 1, क्योंकि दो खाली आएंगे इसमें, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी पी को ऐसे शो कर रही हूँ, बिकॉज हियर द टू लोब्स विल बी एम्प्टी, जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो वो मैं ऐसे पहले शो कर रही हूँ। अब देखो सिमिलरली ये एक लोब है, सिमिलरली ये दूसरी लोब, ठीक है, ये दोनों मैंने बेटा पी वाली बनाई है। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे कार्बन का, 1s2, 2s2, 2p2, एक दो तीन चार, अब अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें सिर्फ दो जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, कैन यू सी, ठीक है कि नहीं, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, राइट। अब यहाँ पर एक कार्बन जो है हमने लिया हुआ है, डेट इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड हेयर, एंड यहाँ पर जो एक कार्बन है डेट इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड हेयर, ठीक है। अब एक एक इनको हाइड्रोजन मिलेगा अगर मैं स्ट्रक्चर को तोड़ के लिखूं, ठीक है, इफ आई राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड एच, तो हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच करेगा, ठीक है, तो यानी कि ये वाले कार्बन की एक लोब हम यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं, ये वाले कार्बन की भी एक लोब हम ऐसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ, थोड़े से जो पी वाले हैं वो कलर शो कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, जो पी वाले दोनों है ना मैं वो कलर शो कर देती हूँ। देखो जो दोनों कलर्ड होंगे डैट मीन्स वो हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, राइट, ये दो मेरे पी ऑर्बिटल्स बनाए हैं मैंने यहाँ पे, ओके। अब कार्बन कार्बन का एक तो है वो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, जो मैंने ऐसे बना दिया है, एक इसमें हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व करना है, जो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, बाकी इनकी लोब्स आपने बना देनी है, ठीक है, ओके, हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पूरे, ठीक है, ये दोनों पी वाले हैं और ये दोनों जो है वो सिग्मा बॉन्ड वाले हैं। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना, पहले सिंगल बॉन्ड बना दिया मैंने, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड ऑफ द कार्बन, ये हाइड्रोजन के साथ इसका, ये एक हाइड्रोजन के साथ इसका, अगेन दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, बाकी दोनों क्या बनने हैं? पाई बॉन्ड, ठीक है, एंड यू नो कार्बन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं? दो, हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं? दो, क्योंकि एक इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक कार्बन के साथ, स्टिल टू इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, ठीक है,
तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं, अगेन एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है ओके। तो अब एक इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी और एक इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। सी द स्ट्रक्चर नाउ, सिंगल सिंगल कार्बन में चला गया एक, सिंगल सिंगल एक हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है। अभी भी एक इंडिविजुअल कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वेकेंट, दैट आर नॉट यूज्ड एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, दे आर लेफ्ट वेकेंट, खाली हैं, तो लोन पेयर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर्स पड़े हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स में, दे विल ओवरलैप टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो px px एंड py py जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ओके। अब इससे होगा क्या, पहले तो एक स्ट्रक्चर था, एक पाई बॉन्ड था, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे थी, ओके। अब क्या होगा, ड्यू टू टू पाई बॉन्ड्स, दो पाई बॉन्ड्स के कारण एक यहां पर अब सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर आएगा आपके पास, you will be getting the electron density in the form of cylindrical structure, ठीक है। इस कार्बन पे और इस कार्बन के ऊपर जो पाई बॉन्ड है दो, वो एज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जैसे पहले मैंने ऐसे बनाया था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर स्कैटर थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बट इसमें ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है, इसमें ये पूरे कार्बन कार्बन को क्या कवर कर जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। So that gives you a cylindrical bond formation over it. ठीक है, cylindrical और cylindrical electron cloud आपके पास यहाँ पर आएगा, cylindrical electron cloud या जिसको आप कह सकते हो pi bond density. ठीक है, तो ये pi bond जो है वो आपको ऐसे पूरे carbon के ऊपर क्या करके बताएंगे, cover करके, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स। इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ है? एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क बेटा। यस नो, कुछ तो बोलो। समझ आया नहीं आया बेटा? अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशंस पे चलते हैं बेटा। sp3, sp2 एंड sp, ठीक है, ये हम अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है, डेट इज sp3d। अब इसकी मुझे कोई एग्जांपल दे दो बेटा, एनी एग्जांपल फॉर दिस। तीन चार और एक पांच, पांच वाली कौन सी एग्जांपल्स बताई थी मैंने आपको, जिसमें सेंट्रल एटम के साथ पांच एटम्स अटैच होते हैं, सेंट्रल एटम के, हाँ जी, PCl5 की थी ना हमने, PCl5 PF5 याद आया कुछ? ये स्ट्रक्चर था जहां पर आपके पास दो एक्सियल थे और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे, ठीक है। तो अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे, ओके। तो अगेन लेट्स फॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। क्या होती है बेटा, कितना नंबर है एटॉमिक नंबर फास्फोरस का? नंबर 15, ठीक है। तो 15 को हम कैसे खोल के लिखेंगे, ठीक है, तो 3p3। अब हम ये लास्ट दो वाले जो है वो इन्वॉल्व करवाएंगे, क्योंकि वेकेंट यही है अब, राइट। तो अब मैं देख सकती हूँ कि मेरे एस के साथ साथ जो पी है अब वो भी फिल है, तो फिर मैं शिफ्टिंग कहाँ पर करवाऊँ अब, ठीक है। तो मैं ये इस एस को अब किस में शिफ्ट कराऊँ, देन आई विल बी यूजिंग द नेक्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट खाली ऑर्बिटल कौन सा आएगा, डी ऑर्बिटल आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए sp3d लिखी है, ये वाला जो एस का एक इलेक्ट्रॉन है, नाउ इट विल बी शिफ्टिंग इन द डी ऑर्बिटल, ठीक है,
हो गए आपके पास पांच, अब 1, 2, 3, 4 and 5 ठीक है। तो हमने एक एस इन्वॉल्व किया है, 3 पी इन्वॉल्व किए हैं और एक डी इन्वॉल्व किया है, एंड दिस गिव्स अस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3d। ये आपको कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देगा? अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स हमने इन्वॉल्व किए हैं इसमें? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व बेटा? ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व हो गए एटॉमिक? 1, 2, 3, 4 और 1, 5 ठीक है। तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा वो भी आपके पास कैसा आएगा? एक्सियल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, इक्विटोरियल बॉन्ड बनते हैं, one bond here, one bond here and one bond here। तो ऐसा का स्ट्रक्चर आएगा आपके पास, ठीक है। सेंट्रल में पी मैं नहीं शो कर रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो है वो क्लोरीन अटैच कर लेने हैं, ठीक है, या फ्लोरीन अटैच कर, ठीक है। तो मैं जस्ट सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको बता दू, ओके। सो दिस इज हाउ, इसका नाम क्या है बेटा ज्योमेट्री का? द ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल का स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर? सो दिस इज sp3d। नाउ डू द केस ऑफ sp3d2। बोलो, बनाओ बेटा, चलो sp3d2 का केस बनाइए। ज्योमेट्री थी sp3d2, 3 to 5 n + 1 6। 6 की कौन सी ज्योमेट्री है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर द एग्जांपल ऑफ sf6, तो मैंने ये आपको एग्जांपल दी थी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाता है तो ये कौन सी ज्योमेट्री है? विद वन लोन पेयर इट इज स्क्वायर पिरामिडल, वेरी गुड। तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। अगर दोनों लोन पेयर्स आ जाते हैं तो ये ज्योमेट्री कौन सी है बेटा? दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो हम ये तीनों केसेस जो है इसमें डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल का केस लेते हैं, दैट इज SF6। क्लियर हो गया बेटा? जब सारे बॉन्ड पेयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी, जब एक लोन पेयर है तो कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर पिरामिडल। जब दोनों लोन पेयर्स हैं तो कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो अब हम ये सारे केस डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाइए बेटा मेरे साथ साथ सल्फर की कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन बोलो नमन। 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p4, ठीक है। 3p4 हो गया, तो 3s2 है, 3p4 है, ठीक है। अब हमने डी इन्वॉल्व करने हैं क्योंकि शिफ्टिंग के लिए और ऑर्बिटल्स नहीं है खाली जहां पर हम शिफ्ट करेंगे, राइट। ए इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराना है, ऑर्बिटल्स खाली नहीं है, पी के पी भरे हुए हैं अब, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा आगे और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे शिफ्ट होगा। तो कैन यू सी द हाइब्रिडाइजेशन? एक एस है, 3 p है और 2 d है। तो दिस इज sp3d2। So this is sp3d2 for the sulfur, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आपका सेम ही आएगा, लोब्स बना लेनी हमने, एक ऊपर आएगी, ठीक है, एक नीचे, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया ये, तो योर स्ट्रक्चर इट विल बी लाइक दिस, ठीक है जी। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं फॉर द स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल की कौन सी एग्जांपल है? देखो तो जरा, जब मैंने आपको वीबीटी के अकॉर्डिंग शेप्स करवाई थी निकालनी, तो उसमें मैंने आपको बताई थी एक एग्जांपल, जब हम है CLF5, ठीक है। CLF5 हो गया, BRF5 हो गया, ठीक है। तो वी कैन टेक दैट एग्जाम्पल CLF5,
ठीक है। अब ClF5 के अकॉर्डिंग क्लोरीन है, बट यहाँ पर हम Br की एग्जांपल लेंगे, नॉट ClF5, क्योंकि क्लोरीन में अभी d ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो BrF5 की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, FCl and Br, ओके। अब इसमें Br की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, व्हाट इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Br? अगेन दिस इज 3s, कितना होगा 2, 3p एंड 3d, तो 3p कितना हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। जब आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशंस ना पता हो तो इसके ऊपर वालों की कॉन्फ़िगरेशंस देख लिया करो बेटा, ठीक है। आपने सिर्फ n चेंज करना है नीचे वालों के लिए। अब जैसे क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है, तो ये फिर 4 हो जाएगा, ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 5, 17, ठीक है। तो ये 4s, 4p एंड 4d है, ठीक है। इसके बाद ये 4s चलेगा, 4p, ठीक है, यहां तक ये कॉन्फ़िगरेशन, बाकी आपकी सेम है। चलिए, नाउ वी आर हैविंग 4s, पी वाले आपके अगेन 5 हैं और डी वाले खाली हैं अभी तक, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएं और आगे, हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराने की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन डी में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एक पी वाला कर देते हैं, ये वाला एक पी वाला शिफ्ट करा देते हैं आगे, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 2 शिफ्टिंग के लिए थे और ये हैं शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, बट इससे जो है वो ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि हमें सिर्फ 5 चाहिए। तो अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं इसको क्यों आगे शिफ्ट कराऊं फिर, ठीक है। मुझे 7 के साथ होना बॉन्डिंग करानी है, मुझे तो 5 के साथ करवानी है, बट दिस एस इट विल बी इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू sp3d2, ये एस वाला जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व तो होगा ही, ओके। तो दिस इज sp3d2, अब ये कैसे प्रेजेंट होगा, एज लोन पेयर, ठीक है। तो दिस विल बी प्रेजेंट एज लोन पेयर एंड योर ज्योमेट्री विल बी कैसी हो जाएगी, ठीक है, 1, 2। अब ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लोन पेयर हो जाएगा, ओके। सो दिस वी विल बी हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, या अगर आपने इसको शो करना है, ठीक है, तो ऐसे भी शो कर सकते हो। सो दिस इज हैविंग द लोन पेयर हियर, ओके। तो ये कौन सा केस हो गया, नाउ द ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल, ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिड, ठीक है जी। अब उसके बाद स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, ठीक है, द लास्ट ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर डिस्कस करने से पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग केस है, ठीक है, पहले आपके लिए होमवर्क है फॉर द ज्योमेट्री sp3d3। मुझे बस इसकी एग्जांपल बता दो, आप कौन सी लोगे sp3d3 की, कौन सी एग्जांपल लोगे आप, यू हैव 1 मिनट, जस्ट गिव मी दी sp3d3, 3, 3, 6 और 7, 7 वाली ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी, दैट इज IF7, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने करके लानी, ओके। ब्रोमीन जैसे आपने 4s 4d लिखे हैं, ठीक है, वैसे ही आयोडीन 5s 5d आ जाएंगे, ओके। आयोडीन विल बी 5s 5d, बाकी इलेक्ट्रॉन्स आपने सेम बनाने हैं उसमें,